नमस्ते, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। क्या आप सुगंधित मसालों से भरपूर स्वादिष्ट यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आज हम चिकन काबुली पुलाव बना रहे हैं, जो एक अफगानी व्यंजन है जो स्वाद से भरपूर है। ये कोई आम चिकन और चावल नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोमल, रसदार चिकन, बासमती चावल और इलायची और जीरा जैसे गर्म मसालों के साथ स्वादिष्ट टुकड़ों की। हम किशमिश और गाजर के साथ मिठास का स्पर्श भी जोड़ेंगे। तो अगर आप विदेशी और स्वादिष्ट व्यंजनों से अपने परिवार और दोस्तों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो चिकन निश्चित रूप से काबुली पुलाव का नया पसंदीदा बन जाएगा। चलो फिर खाना बनाते हैं। आप जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर अपनी इच्छानुसार सर्विंग्स की संख्या के अनुसार रेसिपी बदल सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ संशोधित रेसिपी का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। यह अनूठी विशेषता आपको अपनी पसंदीदा सर्विंग या मिर्च के अनुसार रेसिपी तैयार करने में मदद करेगी। यह रेसिपी 5 लोगों को परोसती है। यदि आपने नुस्खा बदल दिया है तो कृपया इन मात्राओं का पालन करें। अब चलिए वास्तविक रेसिपी पर चलते हैं। 2.5 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उबालें। हम हिमालयन नमक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। इसमें 2 घंटे पहले भिगोया हुआ 3.5 कप चावल डालें। से 10 मिनट तक उबालें। याद रखें कि हम नहीं चाहते कि वे पूरी तरह नरम हो। चावल को छानकर एक तरफ रख दें। एक पैन में 1/2 कप तेल गर्म करें। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालकर हल्का सा भून लीजिए। 2 मध्यम कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। जब प्याज का रंग बदल जाए तो इसमें 2 कटी हुई लहसुन की कलियां डालें। जैसे ही प्याज सुनहरा हो जाए, इसमें 1 किलो चिकन जांधेड़ डालें। चिकन का रंग बदलने तक भूनें। जब चिकन का रंग बदल जाए तो इसमें 2 कप पानी डालें। 1 चम्मच नमक डालें। ढककर 10 मिनट तक पकाएं। 5 मिनट बाद एक बार पलट दें। 10 मिनट बाद चिकन को दूसरी डिश में निकाल लें। बचे हुए पानी को बीच-बीच में हिलाते हुए 8-10 मिनट तक उबलने दें। लगभग 10 मिनट के बाद, जब शोरबा गाढ़ा हो जाए, तो मिश्रण को एक नए कटोरे में छान लें। शोरबा को एक तरफ रख दें। एक पैन में 1/4 कप तेल गर्म करें। तेल में 2 मध्यम गाजर बारीक कटी हुई डालें। करीब 5 मिनट तक भूनें। गाजर को निकालकर एक तरफ रख दीजिए। बचे हुए तेल में 1/2 कप किशमिश डालकर करीब 1 मिनट तक भून लें। बचे हुए तेल में 2 बड़े चम्मच भीगे और छिले हुए बादाम डालें और करीब 1 मिनट तक भूनें। गाजर, बादाम और किशमिश को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से यह सुनिश्चित होता है कि आप सभी नए वीडियो से अपडेट रहेंगे। एक फ्राइंग पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल में 2 बड़े चम्मच चीनी मिला दीजिए। चीनी को पिघलने और ब्राउन होने तक भूनिए। धीरे-धीरे शोरबा डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
मिश्रण को एक तरफ रख दें। दूसरे पैन में 1/4 कप तेल गरम करें। एक कटा हुआ मध्यम प्याज डालें। सुनहरा होने तक भून लें। संज्ञा चिकन जोड़े जिसे हमने पहले अलग रखा था। हल्का भून लें। एक चम्मच गर्म मसाला डालें। अच्छी तरह से मलाएं। चावल डालें। वह शोरबा डालें जो हमने पहले तैयार किया था। इन सबको धीरे से मिला लें। आधा चम्मच गर्म मसाला छिड़के। एल्यूमिनियम फॉयल पैकेट को ऊपर रखें। ढक्कन को रसोई के तौलिए में लपेटें और कड़ीगाची को ढक दें। इसे धीमी आंच पर लगभग 25 मिनट के लिए स्टोव पर छोड़ दें। चावल के ऊपर गाजर, बादाम और किशमिश छिड़के। इन सबको धीरे से मिला लें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें।